मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि आयुर्वेद को घर घर कैसे पहुंचाया जाए, तो मेरे मन में ख्याल आया, क्यों ना मैं ऐसे पौधों के बारे में जानकारी दूं जो हर जगह मिल जाते हैं आसानी से, और लोग उनके बारे में अगर सुनेंगे जानेंगे तो उन्हें शौक आएगा और फिर अपने घरों में ही वो गमलों में लगा लेंगे। हालांकि हमारे देश की 75% आबादी गाँवों में रहती है और गाँवों में जगह की समस्या नहीं होती, कहीं भी लगाया जा सकता है इन पौधों को, इन जड़ी बूटियों को। बस शर्त यही है कि हमें इनके बारे में पता हो और हम इसके बारे में जानने समझें, तभी हम लोग इनका अपने लाइफ में प्रयोग कर पाएंगे और बेनिफिट ले पाएंगे। आपने सुना होगा या देखा होगा कि पुराने ज़माने में बुज़ुर्ग तो हर छोटी छोटी जड़ी बूटियों के बारे में जानते थे घरों में ही, और उनकी छोटी छोटी रोज़मर्रा की समस्याओं के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए उनको भागना नहीं पड़ता था कहीं, घर में ही वो उपचार कर लेते थे। तो आइए आज इस औषध के बारे में, एक जड़ी बूटी के बारे में हम जानते हैं जिसका पौधा आप घर में ही लगा सकते हैं और आप इसके प्रयोग खुद करके और अपने परिवार को भी लाभान्वित कर सकते हैं। नमस्कारम, मैं हूँ योगी नित्य और मैं पिछले 19 वर्षों से योग, आयुर्वेद और हमारे ऋषियों की सनातन परंपरा पे काम कर रहा हूँ, और आज का मेरा विषय है मरुआ। जिस पौधे के बारे में बात करूँगा, इसको अंग्रेजी में स्वीट मजोरम कहते हैं, हिंदी में मरुआ कहते हैं, पंजाबी लोग इसको न्याज बोझ कहते हैं। न्याज बो यानी बड़ी खूबसूरत खुशबू वाला, बड़ी तिक्खी गंध वाला। इसमें बहुत सारे ऑयल्स भी होते हैं जो आप अगर स्किन पे इसको लगा लें तो ये पेन किलर का काम करता है। दरअसल आप उलझ जाओगे अगर मैं सारे बेनिफिट्स आपको इसके बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि आपको एक छोटा सा पहले इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं, ताकि आपके मन में इस जड़ी बूटी के बारे में एक छवि बन जाए, एक स्केच बन जाए, एक चित्र बन जाए कि ये क्या काम करती है। ये मरुआ मोटा मोटा अगर देखा जाए तो ये गर्म खुश्क है। गर्म यानी हॉट इन पोटेंसी है, खुश्क यानी ड्राई नेचर का है। तो इसलिए ये आप कह सकते हैं कि वात रोगों में और कफ रोगों में बड़ा इफ़ेक्टिव होगा। वात रोग होते हैं गैस, कब्ज, अफारा, पेट दर्द, इन सबको ये ख़त्म करता है। और कफ रोग होते हैं जैसे सांस, दमा, अस्थमा, कफ, खांसी, नज़ला, चाहे फिर वो बच्चे को हो या बुज़ुर्ग को। छोटा बच्चा भी घर में है तो माँ अपने बच्चे का अगर लगता है कि कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, थोड़ा बहुत खांस रहा है, थोड़ा बहुत पेट की दर्द की वजह से रो रहा है, तो आप उसको दे सकते हैं। और पेट के कीड़े भी मारता है, क्योंकि इसका इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऑयल्स हैं जो जिनके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि वायरसेस आजकल बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे हैं लोगों को और फैल भी रहे हैं। ये वायरसेस को भी अटैक किल करता है और उनकी गति को रोकता है, इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और आजकल रिसर्चेज़ हो रही हैं इसके ऊपर। मैं कई कई बार ना जब फ्री होता हूँ तो रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ता रहता हूँ, तो मेरे को रिसर्च आर्टिकल्स में पढ़ने में ऐसा मिला कि इसने कई कई बार ब्लड कैंसर में भी लोगों को फ़ायदा दिया, यानी उनके ब्लड कैंसर को ठीक करने में भी इसका रोल था, इस हर्ब का। सिर्फ इसी से तो नहीं हुआ होगा, लेकिन एक कॉम्बिनेशन, जैसे डॉक्टर बना के रिसर्च करते हैं, काम करते हैं, तो उसमें भी ये काम का था। तो बड़ा ही इफ़ेक्टिव है ये। मैंने तासीर बता दी इसकी, गर्म खुश्क है, और छोटे छोटे बेनिफिट्स बता दिए कि वात पित्त, वात और कफ का तो ये नाश करेगा, पित्त को थोड़ा बढ़ा सकता है। पित्त को बढ़ाने का मतलब है जिनके अंदर शरीर में गर्मी की कमी है, जैसे मंदाग्नि होगी, पेट में अग्नि नहीं है खाना पचाने की, तो उनका पित्त बढ़ाएगा तो खाना पचेगा, डाइजेशन तेज़ होगी और मेटाबॉलिज्म तेज़ होगा, तो कहीं ना कहीं पित्त बढ़ाता है। तो ये बात का ध्यान जरूर रखना है कि जिनका ऑलरेडी पित्त बढ़ा हुआ है वो इसका सेवन या तो ना करें या फिर बड़ी सूझबूझ से कभी ज़रूरत पड़ने पर ही करें, क्योंकि कई बार इसको लेने से आपको पता ना हो, आपको पहले से ही ओवर ब्लीडिंग की शिकायत हो, पहले से ही बॉडी में अंदर कोई ऐसा पित्त बढ़ने का कोई साइन हो या कोई प्रॉब्लम चल रही हो, उस समय में ये आपको नुकसान ना करे, मैं इसलिए आगाह कर रहा हूँ। और एक चीज़ और बता दूँ, जैसे किसी को लेने से कोई हज़ारों में एक आदमी, किसी को कोई धाफड़, कोई रिएक्शन करे, कई बार ऐसे कोई पत्ते वगैरह लेने से किसी को होता है, तो उसको उस व्यक्ति से समझ लो कि वो सूट नहीं कर रही जड़ी बूटी, उसको नहीं लेनी चाहिए। बाकी सब लोग खुश होकर के आराम से इसको घर में प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि इसको प्रयोग कैसे करना है। सबसे पहले जानते हैं इसे अगर मुँह के द्वारा सेवन किया जाए, खाने के द्वारा ऐसे लिया जाए तो क्या क्या लाभ करेगा। खाने के द्वारा लेने से ये पेट का दर्द, अफारा, गैस, और किसी किसी को अगर खुल के पेट साफ़ नहीं होता तो ये खुल के पेट साफ़ कर देगा, साथ ही साथ पेट के कीड़े भी मार देगा।
और इसे एक दो दिन, तीन दिन या कुछ दिन तक लगातार लिया जा सकता है यदि समस्या थोड़ी बड़ी है तो, या थोड़ी देर से ठीक होने वाली है तो, और बच्चे से लेकर के बुज़ुर्ग तक दिया जा सकता है। हालांकि कई बार बच्चों को हम, या कई बार जिनको पत्ते वगैरह नहीं पचते ज़्यादा, तो उनको इसके पत्ते देने से अच्छा है इसके पत्तों का रस निचोड़ करके एक एक चम्मच या दो दो चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी से दे दिया जाता है, क्योंकि पेट यानी कि वात रोगों में औषधियों को गुनगुने पानी से ही देते हैं। तो आप इसको खाली पेट भी दे सकते हैं, भोजन के कुछ देर बाद भी दे सकते हैं, ये अपनी अपनी ज़रूरत है। जैसे किसी को अगर भूख लगती ही नहीं है तो फिर उसको खाने से पहले दिया जाएगा ताकि ये दीपन करे, यानी भूख को लगाए। और अगर किसी को भूख ठीक लगती लेकिन पाचन बड़ा मंद हो गया है तो फिर उसको पाचन के लिए इसको भोजन के बाद दिया जाता है। ये 3-4-5 रोगों में इस तरह से दी जाती है, और बहुत लंबे समय तक रेगुलरली इसको ना दें। अब बात करते हैं इसको अगर कान में डाला जाए तो क्या क्या लाभ करेगा। कान में यदि इसके रस को निकालकर 2-3 बूंद रोज़ाना आप थोड़े दिन कानों में अगर डालें, तो मैंने बताया था कि ये गर्म है और खुश्क है, तो ये पित्तवर्धक हुआ। इसका मतलब जिनके अंदर कफ है शरीर में, कान में मवाद बहता है और कान में कोई फिंसी हो जाती बार बार, तो उसमें ये लाभकारी हो जाएगा कान के दर्द में, खासकर जो रेशा पड़ जाता है जब कान में, उसमें ये लाभ करेगा। तो आप इसको रोज़ाना प्रयोग करवा सकते हैं, छोटे बच्चे को भी इवन डाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और बच्चे के लिए एक एक बूंद डाल देते हैं। इसी तरह आँख में सुरमे की तरह इसका ताज़ा रस निकाल करके डाला जा सकता है, उससे जैसे आँखों में अंदर फिंसियाँ हो जाती कई बार, आँख की पलकों पे, आँख के किनारे पे लोगों को अंदर आँख के पर अंदर पलक के अंदर फिंसी हो जाती है, तो इसको ठीक करने के लिए इसका रस अगर सुरमे की तरह डाला जाए, या कान आँख में बहुत ज़्यादा गिद्ध आती है, बहुत ज़्यादा सुबह उठते हैं तो सारा यहाँ कफ कफ भरा होता है आँखों पे, तो अगर सुरमा इसका लगाया जाए तो बड़ा ही इफ़ेक्टिव होता है। और फिर इसके अलावा अगर इसकी भाप ली जाए, कुछ पत्ते तोड़ लीजिए 15-20-30 और इसको तोड़ करके पानी में उबालिए ढक करके, नहीं तो इसके अंदर कुछ ऑयल्स होते हैं वो उड़ जाएंगे, तो आप इसको ढक कर उबालें, थोड़ा सा जब उबल जाए फिर इसकी भाप साथ साथ लेने लग जाएं, और भाप इसकी देने से कफ पिघल करके बाहर आता है, सांस चढ़ना, कफ, दमा, अस्थमा का अटैक, उसमें ये बड़ा इफ़ेक्टिव है। इसी तरह बच्चों को भी जब खांसी, गला पकड़ा जाना, टॉन्सिल हो जाते हैं, तो उसका इसका काढ़े का आप सेवन भी करवा सकते हैं। जैसे काढ़ा कई बार पत्ते नहीं ऐसे पीता रस बच्चा या कोई व्यक्ति, तो काढ़ा उबाल करके सिप सिप दे दिया, तो फिर वो ज़्यादा मात्रा में उबला हुआ उसका क्वाथ हो जाता है, तो वो कफ रोगों में बड़ा अच्छा लाभ करता है। और उसमें आप अगर क्वाथ को आप ना पी पाए कोई, तो फांट बना करके भी दे सकते हैं, गरम गरम पानी में इसका पत्ते डिप कर दिए, ताज़े नहीं मिलते, सुखा के रख लिए एयर टाइट कंटेनर में, थोड़े से पत्ते गरम गरम पानी में डाले और थोड़ी देर में उसको ढक के रखा, एक गरम गरम एक चाय की तरह पेय बन गया, फिर उसको सिप सिप कर करके पी लिया। लोग ग्रीन टी बड़ी पीते हैं, उसकी जगह भी इसका प्रयोग हो सकता है। तो ये था, अब इसके बाद जानते हैं इसके और क्या क्या प्रयोग हो सकते हैं। यदि इसको चमड़ी पर रगड़ दिया जाए इसके पत्तों को या इसके पत्तों के रस को, तो किसी को दाद हो जाता है, यानी कि जिसको आप कह देते हैं कि फंगस हो गया, तो उसमें बड़ा जल्दी उसमें ठीक कर देता है उसको। कोई ऐसा स्किन प्रॉब्लम जो कफ से ज़्यादा भरा हुआ हो, फिंसियाँ हो जाती हैं, फोड़े हो जाते हैं, फोड़ा हो गया किसी को निकल आया, तो उस जगह पर भी इसको इसके पत्तों का रस लगाया जाए सुबह शाम, और थोड़े ही दिनों में वो फोड़े फिंसियाँ फूट जाती हैं, सूख जाती हैं। और इसके अलावा कोई कई बार किसी को कीड़ा मकोड़ा लड़ जाता है घर में, आपको बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम नहीं होती कि ठीक है थोड़ा बहुत हुआ है अब क्या करें, तो उस स्थिति में इसका सेवन भी करवा दें पत्तों का गर्म पानी से, साथ ही साथ जो कीड़ा मकोड़ा लड़ा है उसका डंक भी निकालें, लोहे की किसी चाबी से या किसी चीज़ से उसका डंक बाहर खींच करके फिर उसके ऊपर इसके पत्तों का रस लगाएं, तो सूजन भी नहीं कर होने देता और उसकी समस्या भी नहीं आती आपको। ये कीड़े मकोड़ों में भी लाभ कर गया। लेप इसका जहाँ दर्द होती हो वहाँ पे इसके पत्तों का रस मल दिया जाए, तो बाद में ढक दिया जाए, दर्द खींच लेता है। साथ ही साथ जिनको मोच आ गई, छोटे बच्चे को, या कई बार कोई औषधि और नहीं मिलती, तो इसके खूब सारे पत्तों की गर्म पानी में थोड़ा सा इसकी लघुधि बना करके टकोर भी की जाए गर्म पानी से, और बाद में उसके पत्ते वहाँ रख करके थोड़ा थोड़ा उसको बांध दिया जाए, तो ये मोच को भी ठीक करता है।
साथ ही साथ बुजुर्ग लोग जिनको गठिया है, जोड़ों में दर्द है, जोड़ टेढ़े हो जाते हैं, कई बार यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो सूजन हो जाती है उस जोड़ में, तो ऐसे में इसके खूब सारे पत्ते लेकर के उबालिए, उबाल करके उसी तरह ढक के उबालिए, फिर उसकी पानी से टकोर दें उस अंग को, रेगुलर भी दी जा सकती है टकोर और भाप, उससे इस सूजन भी उतरेगी और जो यूरिक एसिड नस नाड़ियों में इकट्ठा हो गया है वो भी धीरे धीरे निकलेगा। और तो और इसका पेट पे यदि बच्चे को मल दिया जाए, बच्चे के किसी के पेट पे मल दिया जाए इसके पत्ते का रस, छोटे बच्चे दस्त रुक जाता है, लूज मोशन रुक जाते हैं, जब माँ को लगे कि बच्चे ने एक आधी दस्त ज़्यादा कर दी है तो लगे कि अब क्या करें, तो ये घरेलू प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि मैं नहीं कहता कि आप वैद्यों के पास ना जाएं और इन नुस्खों से घर में ही इलाज करें और प्रॉब्लम कभी बढ़ जाए तो आपको कोई नुकसान हो, ये तो सिर्फ छोटी छोटी घरेलू चीज़ें हैं, कई कई बार हम इतनी ज़्यादा बड़ी समस्या महसूस नहीं करते उस समय में, हमें लगता है कि छोटा सा कोई नुस्खा हो जाए, कोई चीज़ ऐसी हो जाए जो हम कर लें आराम मिल जाए, तो ऐसे में ये औषधियाँ बड़ी कारगर साबित होती हैं। और अगर आप इनको रेगुलर प्रयोग करते हैं फिर आपके तजुर्बे भी जुड़ेंगे कि हाँ मैंने प्रयोग किया था, मुझे तो बड़े जल्दी लाभ मिला था, मेरे बच्चे के पेट में कीड़े थे, मैंने तो इसके पत्ते की थोड़ी सी चटनी बनाई, अब बच्चे चटनी नहीं खाते कई बार, तो पुदीने की चटनी बनाई उसमें थोड़े से पत्ते इसके डाल दिए, तो मैंने तो वो दिए बच्चे को, थोड़े दिन दो चार दिन चटनी खिलाई, उसके पेट के कीड़े मर के अपने आप बाहर निकल गए, पता भी नहीं चला, फिर 15-20 दिन बाद फिर क्योंकि उसके अंदर अंडे रह जाते हैं पेट में, फिर दोबारा रिपीट करा दिए एक दो बार तीन बार, तो आपके बच्चे के पेट के कीड़े मर जाएंगे, बच्चे को स्वादिष्ट चटनी में पता भी नहीं चलेगा कि वो मरुआ खा गया, और उसकी गैस, कब्ज, अफारा, छोटी छोटी समस्याएं किसी को भी घर में नहीं होंगी। बड़ा अच्छा है, ड्राई हर्ब के पत्तों को सुखा के भी रखा जा सकता है, लेकिन वो एक महीना ही चलेंगे, क्योंकि जितनी भी औषधियाँ होती हैं जो तुलसी की तरह होती हैं, शास्त्रों में कहा गया है कि एक महीना तक अगर एयर टाइट डब्बे में बंद करके इसको रखा जाए जड़ी बूटियों को, तो एक महीना तक इसके पत्तों का प्रयोग आप काढ़ा बना के, क्वाथ बना के कर सकते हैं प्रयोग। तो अगर आपको कहीं आप बगीचे में घूमने जाएं, आपको मरुआ मिले, तो इस तरह से कुछ पत्ते लेकर के आप छाया में सुखा लें, धूप में ना सुखाएं, तो छाया में सुखा के एक दिन में दो दिन में सूख गए, फिर उसको आप बंद करके डिब्बे को रख लें, और जब भी प्रयोग करना हो उसका आप घर में कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं प्रेरित करना चाहता हूँ सब लोगों को, जो भी नर्सरियाँ चलाते हैं वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मात्रा में उगाएं, लोगों को प्रेरित करें कि देखिए ये आयुर्वेदिक पौधा है, आप इसको घर में लगाएं, और आप भी अपने रिश्तेदारों को जब मिलने जाएं तो आप एक पौधा ले जाएं मरुआ का, साथ में एक कागज़ पर लिख करके उसके बेनिफिट्स उसको बताएं और उसको करने के लिए प्रेरित करें, और बताएं कि देखो मेरे बच्चे का कितना सेहत नहीं बनती थी, पेट में कीड़े खाना खा जाते थे इसका, अब मैंने इसको दिया कितना खुश है ये, तो ऐसे और ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी और प्रेरणा मिलेगी। अंत में मैं इतना कह दूं कि मैं, कई लोग मुझसे दवाई लेने के लिए कहते हैं, इलाज करवाने के लिए पूछते हैं, तो मैं बता दूं कि मैं दवाइयां नहीं देता हूं, और बहुत सारे लोग जो मेरे नाम पे आवाज़ निकाल करके मेरी, या कह करके कि हम नित्यानंदम के आश्रम से बात कर रहे हैं ऐसा कहें, तो आप कतई विश्वास ना करें, क्योंकि हमारा एक ही हेल्पलाइन है जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं से भी, आपको कोई व्यक्ति कहता है कि आइए आपको हम नित्यानंदम जी से दवाई दिलवा देते हैं फ़ोन पे, आप हमें इतना पैसा दे दीजिए, तो आप बिल्कुल इस तरह के गलत लोगों से दूर रहें। आज फ़िलहाल इतना ही, नमस्कारम।